हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटी रॉय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सेंटी रॉय। और मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूं। आज की मेरी वीडियो का सब्जेक्ट है मॉकअप की फाइल। आपको मैं एक ऐसी मॉकअप की पीएचडी फाइल प्रोवाइड करने वाला हूं जिसके अंदर आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी फोटो को एक किताब का इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे आप मेरे दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड करेंगे और कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते अपने वीडियो की तरफ। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर किसी को किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर बाय करने हैं, जो स्क्रीन में आपको इस वक्त नंबर दिखाई दे रहा है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, आप इस नंबर को कॉपी करें और मेरे से आप बात कर सकते हैं किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर बाय करने के लिए। तो गाइस, मैं अपने पुराने यूजर को कुछ बताना चाहता हूँ, जो मेरे ओल्ड यूजर है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके रखा हुआ मेरा चैनल पहले से ही। तो बहुत सारे यूजर ने बेल आइकन को नहीं दबाया सब्सक्राइब करने के टाइम पे, तो इससे होता यह है कि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नहीं पहुँचती है। और बहुत सारे लोगों ने दबा रखा है, जिन्होंने दबा रखा है वो लोग तो मेरे वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है उन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो प्लीज एक बार मेरे चैनल पर फिर से विजिट करें और आप चेक करें कि अगर आपने सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जो आता है वो दबाया कि नहीं दबाया। अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ आप उसको दबा लें, अगर दबा दिया है तो बिल्कुल ओके है। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आने वाले टाइम पे अभी आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि कैसे सब्सक्राइब होता है, कैसे बेल आइकन होता है। तो गाइस, वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए मैं सबसे पहले अपना चैनल को ओपन करूंगा। तो यहां पे मैंने अपना चैनल ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी, यहां पे आप देख सकते हैं। मान लेते कि जो आप वीडियो इस वक्त देख रहे हो वो यही वाली वीडियो है, ठीक है। मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन करके रखा हुआ किसी और आईडी से और यहाँ पे मेरा ये वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी पॉज करके रखा हुआ है। तो मेरे चैनल पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन एरिया मिलता है। इस डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको यहाँ पे शो मोर मिलता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन है ये दबा लें, ठीक है। जो भी मेरे नए यूज़र हैं या फिर जो पुराने यूज़र हैं, तो यहाँ पे बेल आइकन जो आता है इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ऑल का, तो यहाँ पे आप ऑल दबा लें। तो मेरे नए यूज़र प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और जो मेरे पुराने यूज़र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यहाँ पे वो चेक कर लें कि बेल आइकन दबाया कि नहीं दबाया। अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें आप, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग चलते हैं डाउनलोड की तरफ, तो जैसे कि यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ पे शो मोर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से आपको मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन एरिया यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा कि मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा सोशल मीडिया का सारा लिंक, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ फॉलो मी, तो यहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज का लिंक मिलेगा, तो यहाँ पे जस्ट आपको लिंक पे क्लिक करना है, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर भी आप विजिट करके आप देख सकते हैं कि वेबसाइट कैसी है। और यहाँ पे मेरा एक दूसरा चैनल का लिंक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे होते हैं तो इस चैनल पे भी आप विजिट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करना है आपको, विजिट करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इस चैनल पे भी मैं बहुत अच्छे वीडियो डालता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउनलोड लिंक लिखा हुआ आएगा आपके पास, बिल्कुल सेम टू सेम मैसेज आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड लिंक, आपके पास यहाँ पे एक लिंक है, तो ऐसे ही लिंक आएगा। यहाँ पे आपके पास विंडोज 32 बिट और 64 बिट का लिंक आएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप फाइल को एक्सटेंड करेंगे, अगर वो फाइल एक्सटेंड नहीं हो रही है, आपके पास एरर आ रहा है अचीव नॉट फाउंड या तो डैमेज का, तो यहाँ से आप विंडोज को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मेन डाउनलोड अभी अपना यहाँ पे है। मान लेते हैं कि जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ वो आपको लिंक यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे ही, ठीक है। जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, लिंक पे क्लिक करना है। ये मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरी इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी ही वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे सेंटी रॉय लिखा आ रहा है और यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए बटन है। यहाँ पे अगर दबाते हैं बटन तो यहाँ पे आपसे ईमेल पूछेगा, ईमेल डाल के आप यहाँ पे ये जो गेट नोटिफिकेशन है इसको दबा देंगे, तो इससे होगा ये, जैसे मैं आप पोस्ट करूंगा कोई भी पोस्ट अपने वेबसाइट पे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो यही वाला वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसका थंबनेल दिखाई देगा, इधर बीच में उसका यहाँ पे नाम दिखाई देगा और ये मैंने कब पोस्ट करी यहाँ पे वो दिखाई देगा। उसके बाद नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा इधर, उसके बाद यहाँ पे उसका वीडियो दिखाई देगा। और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा डाउनलोड लिंक। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप नई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये गूगल ड्राइव की वेबसाइट है, आपको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड बटन दबा के डाउनलोड करना है। बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने डाउनलोड करने का तरीका। तो ये तो था डाउनलोड करने का तरीका, और मैंने आपको सब्सक्राइब भी बता दिया और बेल आइकन भी बता दिया। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन एक बार चेक करके प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा लें आप, ठीक है। और जो मेरे चैनल नया सब्सक्राइब कर रहा है प्लीज़ बेल आइकन आप भी जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। तो गाइस, इसको करते हैं हम लोग मिनिमाइज और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप में एक फोल्डर रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फोल्डर को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो विंडोज की फाइल दिखाई देगी। ये जो विंडोज की फाइल आपको दिखाई दे रही है, यही दो फाइलें आपको डाउनलोड करनी है मेरे दिए हुए लिंक से। आपको
मिल जाएगा इसका डाउनलोड किया हुआ लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन एरिया में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया है। और यहाँ पे आपको एक सैंपल का फोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने एक सैंपल लिया है जिसकी मदद से मैं आपको इसमें काम करके दिखाऊंगा। इसमें मैंने एक लोगो ले लिया है और एक इमेज ले लिया है और एक दूसरी इमेज भी ली है मैंने, तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद विंडार की फाइल है जो कि ये मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा इसका डाउनलोड लिंक, और इस वाले विंडार का भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे दो फाइलें हैं, तो ये वाली फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी है। ये एक डेमो सैंपल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक कप रखा हुआ है और कप के ऊपर यहाँ पे लोगो का दिया गया है, जिसके इसमें लोगो लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पिक्चर है, यहाँ पे एक पिक्चर है, लेकिन जो ये वाली पिक्चर है ये एक पेंसिल आर्ट है। तो आपको भी अपनी पिक्चर को पेंसिल आर्ट करके डाल सकते हैं। अगर आपको पेंसिल आर्ट करके नहीं डालना है तो आप नॉर्मल पिक्चर भी डाल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पेंसिल आर्ट भी बनाना है और अपनी पिक्चर इसमें डालनी है। तो इसको जैसे कि आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आपकी फाइल आएगी एक ऐसी। अब ये वाली फाइल के अंदर आपको सब चीज़ इंक्लूड करना है, कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपने मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से आपने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो दो विंडार आएंगे, एक में आएगा पेंसिल स्केच एक्शन, जिसकी मदद से आप अपने इमेज को पेंसिल वाले स्केच के अंदर चेंज कर सकते हैं, वो भी सिंगल क्लिक में। उसके बाद जो ये दूसरा विंडार है, इसके अंदर आपको बुक कॉफी मग का मॉकअप की फाइल मिलेगी, जिसके अंदर हम लोग को एडिट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पेंसिल स्केच एक्शन की तरफ, इसको हम लोग एक्सट्रेट करेंगे। एक्सट्रेट करने के लिए मैं इस विंडार के डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास भी ऐसा डैशबोर्ड आएगा, आप इसको जस्ट एक्सट्रेट टू करेंगे। एक्सट्रेट टू करने के बाद आप अपना लोकेशन देकर इसको ओके कर देंगे। तो मैंने इसको कोई लोकेशन नहीं दिया था, मैंने यहीं पर एक्सट्रेट किया, मैंने इसको ओके कर दिया है और क्लोज कर दिया है। अब मैं चलता हूँ अपने बुक के मॉकअप की फाइल के ऊपर। इस विंडार को मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद जो आपके पास विंडार का डैशबोर्ड आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक पीएचडी फाइल दिखाई दे रही है। आप इसको एक्सट्रेट टू करके सीधा ओके करेंगे और एक्सट्रेट करेंगे। ये वाली फाइल थोड़ी सी बड़ी है, तो एक्सट्रेट होने में मुश्किल से 30 सेकंड का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर। तो ये मेरी फाइल एक्सट्रेट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग के पास दो फोल्डर आ गए हैं, जिसमें एक में पीएचडी फाइल है और एक में एक्शन की फाइल है, जिस एक्शन की मदद से हम लोग अपनी पिक्चर को स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सैंपल ले रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंपल में जो ये वाला स्केच वाली फाइल है, सॉरी जो ये मेरी इमेज वाली फाइल है, जिसमें मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको एक बार ही। मैं अपनी इस वाली पिक्चर को स्केच में चेंज करके यूज़ करने वाला हूँ, आप ओरिजिनल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो मैंने इस पिक्चर को कर दिया है बंद, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बैक। अब हम लोग को इसको काम करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा फोटोशॉप। फोटोशॉप का वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं CS4 से लेकर CC2020 तक। अगर आप CS4 से नीचे यूज़ करेंगे तो आपका ये एक्शन और आपका जो ये मॉकअप की फाइलें हैं ये सब काम नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप CS6 ओपन है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ एक बारी। तो यहाँ पे मेरा फोटोशॉप खुल चुका है, मैं आपको यहाँ पे एक बार इसका वर्जन शो कर देता हूँ। वर्जन शो करने के लिए मैं हेल्प में गया और हेल्प में जाने के बाद अबाउट फोटोशॉप लिखा हुआ था, उसमें मैंने जस्ट क्लिक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अडोब फोटोशॉप CS6, तो मैं अडोब फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। तो ये मेरा फोटोशॉप है, मैं इसको कर रहा हूँ मिनिमाइज। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्शन की फाइल को लोड करना है। जो एक्शन वाला फोल्डर था जो अभी हम लोगों ने एक्सट्रेट किया था, उस फोल्डर को हम लोग डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपको दो फाइलें दिखाई देगी, तो यहाँ पे मैंने बड़ी कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फाइल है ब्रश की फाइल और एक फाइल है एक्शन की फाइल। तो सबसे पहले हम लोग ब्रश को इंस्टॉल करते हैं, फिर हम लोग एक्शन को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी फाइल को एक्सट्रेट करके कहाँ रखा है। उसके बाद आप जाएंगे फोटोशॉप में, फोटोशॉप में जाने के बाद आप जाएंगे एडिट में। एडिट में जाने के बाद आपके एक ऑप्शन मिलेगा प्रीसेट, प्रीसेट मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, आप उसमें क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो छोटा सा एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाता है, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं जिसको मैं मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं तो आपके पास एक ब्रश का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ब्रश में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग लोड दबाएंगे। जैसे मैं लोड दबाऊंगा तो मेरा एक छोटा सा ब्राउजर के लिए डैशबोर्ड खुलता है। इस वाले डैशबोर्ड में हम लोग अपनी फाइल का लोकेशन देंगे। तो मैंने अपनी फाइल डेस्कटॉप में रखी थी, तो मैं डेस्कटॉप का लोकेशन देके अपना जो वो एक्शन की फाइल का फोल्डर था उसके अंदर जाके मैं ब्रश को सिलेक्ट करूंगा। तो ये रहा मेरा फोल्डर, यहाँ पे मुझे अपनी फाइल दिखाई दे गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी ब्रश की फाइल थी, तो मैंने ब्रश की फाइल पे क्लिक किया और लोड पे दबा दिया। जैसे मैं लोड पे दबाऊंगा तो मेरी फाइल यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगी, जो कि हम लोग को पता नहीं चलता लेकिन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डन कर देते हैं। ये मेरी ब्रश की फाइल लोड हो चुकी है, अब मुझे एक्शन की फाइल को लोड करना है। एक्शन की फाइल को लोड करने के लिए अगर आपके पास यहाँ पे एक्शन का पैनल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। कैसे आपको ओपन करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन करने के लिए हम लोग विंडोज़ पर जाएंगे, विंडोज़ पर जाने के बाद एक्शन को हम लोग प्रेस करेंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक्शन का पैनल ओपन हो जाता है। तो आप अपने एक्शन के पैनल को कहीं पर भी ड्रैग करके मूव करके रख सकते हैं, जहाँ पर आपको ईजी लगेगा। तो मैं इसको यहीं पर रखने वाला हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं फोटोशॉप को और अपना जो एक्शन की फाइल थी एक्शन के वाले फोल्डर पर जाके अपनी फाइल को अपने माउस से लेफ्ट बटन दबा के उसको ड्रैग करके फोटोशॉप में लेके जाएंगे, जिससे कि हम लोग पिक्चर को ओपन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो आपके पास ये एक्शन का पैनल आता है, इस एक्शन के पैनल के ऊपर यहाँ पर इस खाली जगह पर इसको छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ेंगे तो आपका एक्शन यहाँ पर
आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग को कोई पिक्चर ओपन करनी है जिस पिक्चर को हम लोग को पेंसिल आर्ट बनाना है। तो हम लोग अपनी ये वाली पिक्चर को ओपन कर लेते हैं जो कि मैंने अपना सैंपल के लिए ली थी। मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ, ये मेरा सैंपल का फोल्डर है। ये वाली पिक्चर को मैं ड्रैग करके फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि कैसे काम करना है इसके अंदर। ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है, तो आप भी अपनी फाइल ओपन कर लेंगे। अगर आपको ओरिजिनल इमेज डालनी है तो आपको ये एक्शन लोड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ओरिजिनल इमेज नहीं डालना चाहता, मैं स्केच की इमेज डालना चाहता हूँ जो कि लुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मेरा जो एडिट करूँगा वो उसमें बहुत अच्छा दिखाई देगा। फिर मान लेते हैं कि आपको भी अगर स्केच का डालना है तो यहाँ पर आपने इमेज खोल ली। इमेज खोलने के बाद जो यहाँ पर आपको लेयर आती है ये बैकग्राउंड और लॉक है, तो उसको आपको बैकग्राउंड ही रख देना है और लॉक ही छोड़ देना है। और अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ से मैंने एक नई लेयर क्रिएट करी, यहाँ पे लेयर का नाम है लेयर वन, तो इस लेयर के नाम को मैं चेंज करूँगा। डबल क्लिक करता हूँ लेयर पे, यहाँ पे चेंज करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ब्रश BRUSH, ये कर दिया मैंने और एंटर मार दिया। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो आप ब्रश यहाँ पे नाम देंगे उसका बी छोटा होना चाहिए, BRUSH छोटे में ही होना चाहिए। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपने टूल्स पे आना है जो कि यहाँ पे साइड में टूल्स दिखाई देते हैं। इस टूल पे आपको अपना ब्रश सेलेक्ट करना है। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना कोई भी कलर सेलेक्ट करना है। मेरे यहाँ पे ब्लैक कलर है तो मैं ब्लैक कलर पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऐसा डैशबोर्ड खुलता है, यहाँ पर मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आपका जो ब्रश है, ब्रश आपका होना चाहिए सर्कल में। मेरा ब्रश सर्कल में नहीं दिखाई दे रहा अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ब्रश सर्कल में नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं अपना ये वाली सेटिंग खोल रहा हूँ। इसको खोलने के बाद मैं यहाँ पे जो सर्कल आता है वो ले लेता हूँ। ये फायदा वाला मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है सर्कल ले लिया है। अब मैं इसको थोड़ा साइज छोटा करूँगा। साइज छोटा करने के लिए राइट क्लिक कर सकते हैं आप। राइट क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से आप अपने माउस को छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इतना कर लिया है, अब मैं इसमें कलर फिल करूँगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कलर फिल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो क्लिक है जो लेयर, ये ब्रश की फाइल पे मैंने क्लिक करके रखा है। आपको ओरिजिनल लेयर पे क्लिक करके नहीं करना है, ब्रश की जो आपने लेयर बनाई थी उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर कलर अपना फिल कर देना है। आपको वो एरिया फिल करना है जिस एरिया में आपको अपना पेंसिल आर्ट शो करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पूरी इमेज को फिल कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज फिल हो चुकी है। अगर मैं इमेज को यहाँ से डिसेबल करता हूँ तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल इमेज दिखाई देगी, अगर मैं इनेबल करता हूँ तो आपको ब्रश वाली इमेज दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो अपना एक्शन की फाइल थी उस एक्शन की फाइल पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी एक्शन की फाइल ऐसी दिखाई दे रही है तो उसको यहाँ से क्लिक करके ओपन करेंगे। उसके बाद इस फाइल पर क्लिक करेंगे और जस्ट प्ले कर देंगे, ये प्ले का बटन है। आपका कहीं पर भी क्लिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं प्ले के ऊपर। जैसे मैंने प्ले पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्शन वर्क करना चालू हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारी अपनी लेयर्स बना रहा है और यहाँ पे काम कर रहा है। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये अपनी फाइल को स्केच में चेंज कर दे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने वर्क चालू कर दिया है, हम लोग की इमेज ब्लैक एंड वाइट हो गई है और काफ़ी सारे इसमें स्केचेस वगैरह आ गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी आ रहे हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक इसको अभी के अभी कर दे। जो मैं चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि बेल आइकन कैसे दबाना है और सब्सक्राइब कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। और जो मेरे चैनल पर पहले से हैं जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करें एक बार और आप देखें कि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। गाइस ये अभी हम लोग का वर्क हो रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ हम लोग का वर्क। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी टाइप के अगर सॉफ्टवेयर बाय करना चाहते हैं, अगर फोटो एल्बम बनाने से रिलेटेड या तो फिर वीडियो मिक्सिंग से रिलेटेड या तो फिर उसका डाटा या कोई PSD फाइल वगैरह तो या कोई अदर टाइप के सॉफ्टवेयर, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा इस वक्त स्क्रीन में एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। आपको बहुत ही चीप प्राइस में हर एक टाइप के सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड होंगे। तो गाइस ये एक्शन आपका टाइम ले सकता है थोड़ा सा वर्क करने में, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर कि कितना स्पीड है। फिर भी ये जो एक्शन है कम से कम आपका एक मिनट का टाइम जरूर ले लेगा। तो गाइस मेरा एक्शन फिनिश हो चुका है। मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज आया है, ऐसे ही मैसेज आपके पास भी आएगा और उसको आप स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक्शन अब मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे स्केच हुआ है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एक रियलिटी जैसा हम लोग को फील हो रहा है इसके अंदर। अगर आपको कुछ लाइनें वगैरह अगर आपको हटानी है तो आप हटा सकते हैं। यहाँ पे लेयर पे अगर आएंगे आपको यहाँ पे सेटिंग दिखाई देगी, जितने भी ये SK15, SK14, SK13, SK12 और SK11, SK10, SK8 दिखाई दे रहा है, आप इसको अगर हटाएंगे तो आपका स्केच कम हो जाएगा। तो मैं जूम हटा के लेयर को डिसेबल करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लेयर डिसेबल करी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी स्केच आपको कैसे दिखाई दे रहा है। तो ये आपको स्केच आपको ऐसे दिखाई देगा। तो हम लोग इतना रख लेते हैं, ठीक है।
इतना रख लेते हैं और हम लोग इसको सेव करेंगे। जो पीछे का जो बैक साइड में भी आपको इस लड़की के बैक साइड में कुछ स्केच दिखाई दे रहा है, इसको भी अगर आपको कम कर रहे हैं तो आपको अपनी लेयर पे नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको स्केच दिख जाता है, तो आप इसको कम कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कम हो रहा है, ये मैंने कम कर दिया, तो इतना रख लेते हैं। ठीक है, इतना रखने के बाद आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस दबा के सेव किया इमेज को और अपनी फाइल को जेपीजी कर रहा हूँ मैं। जेपीजी करने के बाद मैं अपने सेम लोकेशन पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया, ये इमेज मेरी सेव हो गई। अब मैं इस इमेज को क्लोज कर देता हूँ और मैं अपने वापस से उसी फोल्डर में चलता हूँ जहाँ पर मैंने इसको सेव करी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक एडिशनल फाइल इसकी आ गई है। अगर आपको स्केच बनाना हो तो आप बनाओ, अदरवाइज आप अपनी ओरिजिनल फोटो यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैं अभी स्केच को यूज़ करने वाला हूँ और ये एक वॉलपेपर मैंने छोटा सा लिया, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ और अपना लोगो यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपना स्टूडियो का नाम वगैरह लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने मॉकअप की पीएचडी के ऊपर कि कैसे आपको अभी एडिट करना है, मैं आपको अभी सब बता रहा हूँ। तो इस फोल्डर से मैं बैक कर रहा हूँ। बैक करने के बाद जो आपने मॉकअप की पीएचडी को एक्सट्रैक्ट किया था विनरार को, उसके बाद ये फोल्डर आया था, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। ये मॉकअप की पीएचडी फाइल दिखाई दे रही है आपको, इसको उठा के ड्रैग करके फोटोशॉप में ले जाके हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। छोड़ने के टाइम पे आपके पास एक मैसेज आ सकता है, कीप लेयर कैंसिल ऑल फिल्टन। इसके अंदर आपको कीप लेयर करना है। कीप लेयर जैसे करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग होगी, हो सकता है लोडिंग ना हो, डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर। लोडिंग होने के बाद आपकी इमेज खुल जाएगी। यहाँ पर मेरी इमेज खुल चुकी है। पहली बात यह कि अगर आपको कोई साइज़ बनाना है, जिसकी 8x12x18 या कोई भी साइज़ बनाना है, एक स्टैंडर्ड साइज़, तो सबसे पहले आप इस पीएचडी को क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लेयर्स दिखाई दे रही है, आपको कहीं पर भी नहीं छेड़ना है, सीधा आपको अपना क्रॉपिंग टूल पे आना है। यहाँ पे क्रॉपिंग टूल पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना साइज सेलेक्ट करना है। साइज सेलेक्ट करके आप इस इमेज को क्रॉप कर देंगे सबसे पहले, अगर आपको कोई साइज बनाना है तो। तो मैं यहाँ पे कोई भी साइज नहीं बनाने वाला हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट इसमें काम करूंगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ कि आपको कैसे एडिट करना है। इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ सही ढंग से। यहाँ पे कर लिया। एक्शन का पैनल का मेरा कोई काम नहीं है, एक्शन के पैनल को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मुझे मेरा डैशबोर्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाए। यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब लेयर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको तीन टाइप की लेयर दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, जिसमें लिखा हुआ सबसे पहले लोगो मॉकअप कॉफी। यानी अगर आपको लोगो चेंज करना है तो आप इस वाले लोगो पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, जहाँ पे छोटी सी पिक्चर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लोगो चेंज करना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट लेयर जो है, इसके डाउन में यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट वर्क लेफ्ट पेज। लेफ्ट पेज का मतलब हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये बच्ची की इमेज लगी हुई है ये राइट पेज है, और ये जो कलर इमेज लगी हुई है लेफ्ट पेज है। यानी जो ये वाली लेयर थी, इस लेयर से हम लोग इस पेज के लेफ्ट वाली पिक्चर को हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद जो नीचे आता है, इसमें से लिखा हुआ राइट पेज, तो हम लोग राइट पेज पे चेंज करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लोगो पे काम करेंगे। तो लोगो वाली जो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में जो छोटा सा ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है, इस बॉक्स पे हम लोग जल्दी जल्दी डबल क्लिक करेंगे। ये मैंने डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक छोटा सा मैसेज आएगा ऐसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम ओके करने के लिए। तो आप इसको ओके करेंगे, हो सकता है कि मैसेज ना आए। जैसे आप इसको ओके करेंगे, उसके बाद आपके पास ये छोटा सा बटन और आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा कीप लेयर कैंसिल और फिल्टन। तो आप इसको कीप लेयर कर देंगे। उसके बाद आप देखें कि आपके पास एक अलग सा पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक अलग सी फाइल यहाँ पे खुल जाएगी, जिस पे लिखा होगा लोगो मॉकअप। तो यहाँ पे मेरी दो फाइलें हैं, तो इस फाइल को मैं उठा के ड्रैग करके साइड में रख रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ एक बार इस लेयर पे, इस वाली पिक्चर की लेयर पे। इस लेयर पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया था लोगो के ऊपर, डबल क्लिक किया था यहाँ पे जो बॉक्स पे, तो मेरे पास ये वाली फाइल उठ के आ गई अलग से, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना लोगो इंसर्ट करना है। अगर कुछ टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन दिए गए हैं लेयर में। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो डिसेबल करके लोगो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए आपको क्या करना है, कहीं पे भी आप लोगो को पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है, सबसे पहले मैं टेक्स्ट को डिसेबल करूँगा। ये मैंने पहले टेक्स्ट को डिसेबल किया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे लेयर से कुछ भी चीज़ डिसेबल नहीं हुई है। दूसरे को मैंने डिसेबल किया, तो यहाँ पर लोगो जो लिखा हुआ था, लोगो मेरा यहाँ से हट गया जो लिखा हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मॉकअप जो लिखा है, मॉकअप को भी हटा दिया। तो मैं अपने लोगो यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ आपकी बार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा है। वैसे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे दो फोल्डर बनाए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ छोटा करके। एक 14 नंबर है और एक 21 नंबर है। तो 21 नंबर की लेयर के जो फोल्डर है, उसके अंदर ही आपको लोगो डालना है। आपको 14 नंबर की लेयर पे लोगो नहीं डालना। 14 नंबर की जो लेयर है वो आपकी ये वाली लाइन आ जाती है। ठीक है, तो लोगो आपको ऊपर की तरफ डालना है, तो आपको 21 नंबर पर ही डालना है। तो यहाँ पर मेरा 21 नंबर इनेबल है। 21 नंबर पर यहाँ पर जो लोगो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगो डालना है। तो मैं अपना लोगो ओपन करता हूँ अपने खाली जगह पे, कहीं पे भी डबल क्लिक कर रहा हूँ, और मेरी जो लोगो की फाइल थी उसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। ये मेरी लोगो की फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस लोगो की फाइल को मैं उठा के साइड कर देता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ ढंग से समझ आ जाए। ये मेरी लोगो की फाइल को थोड़ा छोटा कर लिया, इसको ऐसे रख लिया, उसको यहाँ पर कर देते हैं। तो लोगो वाली लेयर पर मैंने क्लिक करके रखा हुआ है,
ठीक है, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी कर दिया। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर दिया, मैं वापस से अपनी इस लेयर को एक्टिव कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, एक्टिव हो गई। अब जहाँ पे ये लोगो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये लोगो लिखा रहा है लोगों के लिए, इस पर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी दबा के, ये पेस्ट हो गया, मेरा लोगो बहुत बड़ा आ रहा है। तो मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा इसके अंदर। कंट्रोल टी करने के टाइम पे ये आपसे पूछेगा कि ओके टू ऑल और ओके, तो आप इसको ओके करेंगे सिर्फ। ओके करने के बाद अगर आपने ओके टू ऑल कर दिया तो जो पीछे लिखा हुआ आ रहा है वो भी आपका मूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ इतना छोटा, और जो मेरे पीछे की लेयर थे वो गलती से मेरे से मूव हो गई है, ऊपर की तरफ चली गई है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब मैं अपनी इसी लेयर पे वापस से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करके एक बार इसको मूव करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये मेरी लेयर थी, इसको मैं उठा के एक बार मैं मूव कर देता हूँ, क्योंकि गलत जगह मेरे से मूव हो गया, ये यहाँ पे था, और इसका जो टेक्स्ट था टेक्स्ट को भी मैं वापस से सही जगह पर रख लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे से गलती से ये मेरे से हिल गया था। ये मैंने सेट कर दिया वापस से। तो ये मेरा जो लोगो है, लोगो के लेयर पे मैं क्लिक करके वापस से अपने लोगो मैं सेट कर सकता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली सेट करेंगे उसको। मैं यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब जो ये नीचे लिखा हुआ है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट एडिटेबल जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। उसके लिए यहाँ पे लेयर ढूंढेंगे कि कौन सी लेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट ऑब्जेक्ट एडिट, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप टी वाले लेयर पर जाएंगे, टूल्स पर जाने के बाद अपनी जो लेयर है उस पर आप क्लिक कर देंगे, आपको इसको टेक्स्ट चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करी, क्लिक करने के बाद आपसे ओके मांगेगा, तो आप इसको ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद आप इसको अपनी पूरी लेयर को सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से इसका नाम दे देंगे। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया सेंटी रॉय। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करके इसको, आपके पास जो भी फॉन्ट होंगे आप फॉन्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इतना चेंज कर दिया। अब मैं अपने हिसाब से इसको मूव अप या डाउन कर सकता हूँ। ये मेरा हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस फाइल लेयर पे के ऊपर कंट्रोल एस कर देना। ये मैंने कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे आप देखें कि ये सेव हो रहा है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे पीछे ही वाली लेयर पे मेरी, यहाँ पे ये लोगो चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एक बारी, तो आप देखेंगे बिल्कुल नेचुरली ये लोगो मेरा यहाँ पे लग चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल टाइप से लग रहा है यहाँ पे, तो ये हो चुका है। तो अब मेरी जो लोगो वाली लेयर थी इसका काम हो गया, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ये मैंने क्लोज कर दिया, वापस से अब मेरे पास एक ही इमेज यहाँ पर है, और लोगो की इमेज जो मैंने खोली थी इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे राइट और लेफ्ट साइड में इमेज डालनी है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट साइड में ब्लैक एंड वाइट इमेज है और लेफ्ट साइड में कलर इमेज है। तो मैं अभी ब्लैक एंड वाइट इमेज को पहले डालूंगा, यानी कि राइट साइड वाली इमेज को। उसके लिए मैं राइट साइड वाली लेयर पर जाऊँगा, ये वाली मेरी राइट साइड वाली लेयर है, इस लेयर में जो बॉक्स बना आ रहा है इस बॉक्स में मैं डबल क्लिक करूँगा। तो ये मैंने जल्दी जल्दी से डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद आपसे जो ओके पूछेगा, सेम प्रोसेस है, ओके करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा कीप लेयर करेंगे आप इसमें। जैसे आप कीप लेयर करेंगे तो आपकी इमेज यहाँ पे खुल के यहाँ पे आ गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इस लेयर को थोड़ा साइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपकी ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे सही से। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपकी वो इमेज लेके आनी जो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं खाली जगह पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, जो मुझे इमेज डालनी थी वो ये वाली इमेज थी, आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट। तो इस इमेज पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ये मेरी इमेज खुल गई है, इसको उठा के मैं साइड कर रख लेता हूँ। उसके बाद इस इमेज के ऊपर कंट्रोल ए करूँगा, अगर करेक्शन करना है तो करेक्शन कर सकते हो आप, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा कलर करेक्शन पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे हम लोग, इस टाइप से डार्क कर दिया और ओके कर दिया। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं, इस लेयर को मिनिमाइज़ कर देते हैं। वापस से हम लोग उसी लेयर पर जाएंगे जो कि हम लोगों ने खोली थी, यानी ये वाली लेयर, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट मैंने कर दी, आपकी लेयर बहुत बड़ी आई है, क्योंकि मैंने कोई साइज तो किया नहीं था इस लेयर का, इसी वजह से बहुत बड़ी आई है। तो यहाँ पे लेयर में चलेंगे, सबसे पहले तो ये जो बच्चे की इमेज थी इसको हम लोग बंद कर देंगे, यहाँ से डिसेबल कर दिया, और हम लोग वापस अपनी इमेज में आके कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी दबाने के बाद आप अपना शिफ्ट दबा के आप इसको छोटा करेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रेम। तो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ जैसे कि मेरी इमेज सेट हो जाए सही ढंग से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी सेट, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको क्योंकि सही नहीं लग रहा, ये मैंने इतना कर दिया और ओके कर दिया। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल एस दबाना बस, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। मैं इसको कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, आप इसकी तरफ ध्यान देंगे ये लेयर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस दबा दिया अभी इस लेयर पे आके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर मेरी चेंज हो गई और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं ये कलर वाली इमेज के ऊपर। ये हम लोग की राइट इमेज थी, सॉरी लेफ्ट इमेज थी, तो इसको चेंज करना है। तो इस वाली लेयर का मेरा काम हो गया, इस लेयर को मैं कर देता हूँ डिसेबल, यानी बंद कर देता हूँ। और जो मैंने ओरिजिनल इमेज खोली थी उस ओरिजिनल इमेज को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो बंद कर दिया मैंने, अब मैं वापस से इसी ओरिजिनल इमेज में हूँ, और यहाँ पे जो लेयर है लेफ्ट वाली जो लेयर थी, ये वाली बीच वाली, इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँगा इस बॉक्स पे। डबल क्लिक करने के बाद ओके करना है, ओके करने के बाद फिल्टर इमेज नहीं करना है, सॉरी
की ब्लेयर करना है। की ब्लेयर करेंगे तो आपकी इमेज जहाँ पे आ गई, इसको उठा के हम लोग सेम टू सेम प्रोसेस है, इसको साइड कर रखा मैंने, थोड़ा छोटा कर दिया, इस इमेज को भी छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि मैं आपको हर एक चीज़ समझा सकूँ। तो यहाँ पे रख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको अपनी कलर वाली इमेज खोलनी है, जो भी आपको लगानी है। तो मैं खाली जगह पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी कलर वाली इमेज जो भी लगानी है आपको, उसको उठा के लेके आएंगे। यहाँ पे लेके आए, आप इसमें कलर सेट कर लो अगर कुछ भी आपको करेक्शन करना है तो। यहाँ पे मैंने कलर सेट कर लिया, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कलर और चढ़ा देता हूँ, जो भी चढ़ाना चाहता हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने येलो कर दिया और ये कर दिया, और मैं इसको थोड़ा सा और लाइट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा हो गया करेक्शन। अब मैं इसको क्या करूँगा, कुछ नहीं, कंट्रोल ये किया मैंने इसको, इसको उठा के मैं पहले साइड रख लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। ये मैंने छोटा कर लिया है इस इमेज को, और छोटा करके यहाँ पे रख दिया। कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लिया, इस इमेज को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। वापस से मैं वही लेयर सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे मुझे पेस्ट करनी है। लेयर सेलेक्ट करी, कंट्रोल वी कर दिया, तो मेरी लेयर तो बहुत बढ़िया आएगी डेफिनेटली। तो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाली लेयर कलर वाली जो हम लोगों की पहले से डली पड़ी थी डेमो के तौर पर, इस पर हम लोग डिसेबल कर देंगे और वापस से अपनी इसी लेयर पर क्लिक करेंगे जो कि हम लोगों ने पेस्ट करी थी। लेयर 8 नाम से आई है, लेयर 8 नाम से आई है यहाँ पे। तो हम लोग कंट्रोल टी करते हैं और शिफ्ट दबा के हम लोग इसको छोटा कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर लिया, आप देख सकते हैं कि मैं छोटा कर रहा हूँ इसको। उसके बाद आप अपनी इमेज को यहाँ पे सेट करेंगे, जितना भी बड़ा आपको सेट करना है अपने अकॉर्डिंगली आप उसको उतना बड़ा सेट करेंगे। ये मैंने इतना कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि क्या करना है, आपको कंट्रोल एस दबाना है। ये मैंने कंट्रोल एस दबाया और यहाँ पे देखेंगे कि चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। तो ये बस इतना सही काम था, ये चेंज हो गया है। अब इसको करते हैं मिनिमाइज़। अब चलते हैं अपनी इसी लेयर पे, इस लेयर को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखाई दे सही से। अब आप इस इमेज को आप सेव करें, सेव करके आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं तो इस लेयर पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये एक डेमो है, ये एक ये किताब है, किताब के ऊपर लाइन आनी चाहिए, जो नोटबुक होती है वैसे लाइन आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी लाइन का भी ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं बुक लाइंस लिखा हुआ आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी इमेज पे लाइन आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन आपकी बुक के ऊपर आ गई है, जैसे कि ओरिजिनल लाइन जैसे लगती है कि यहाँ बिल्कुल कॉपी की तरह बिल्कुल आपकी ऐसी लाइन आ गई। अगर आपको लाइन हटानी है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो वाइट बुक था इसको आप इनेबल कर देंगे और यहाँ से आप लाइन वाली बुक को डिसेबल कर देंगे तो आपकी यहाँ पे वाइट इमेज आ जाएगी, वाइट जैसी। तो ये दोनों लेयर को आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं, अगर आप दोनों हटा देंगे तो आपकी इमेज आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एडिट करके आप चेक करें आपको क्या चीज़ करना है उसी हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड के भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप लेयर पर जाएंगे तो यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन है, तो पेंसिल के ऑप्शन को अगर डिसेबल करते हैं तो पेंसिल आपके यहाँ से गायब हो जाती है। फिर से अगर ऑन करते हैं तो पेंसिल आपके पास यहाँ पर आ जाती है। फिर ये बैकग्राउंड, अगर मैं डिसेबल करता हूँ बैकग्राउंड 1 को तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड 2 को डिसेबल करते हैं तो ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर बैकग्राउंड 3 जो 2 लिखा हुआ दूसरा उसको डिसेबल करते हैं तो हम लोग की इमेज PNG हो जाती है। अब आप इस वाली फाइल को उठा के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर आपको यूज़ करना है तो कहीं पे मूव करके आप अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही अच्छा है। इसमें मुझे बैकग्राउंड लगा देता हूँ मैं, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर ये भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को यही देने वाला था। आई होप आप लोग को सही ढंग से समझ आ गया होगा कि कैसे आपको एडिट करना है। अगर आपको कहीं पे भी कोई मिस्टेक लगती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जो कि व्हाट्सअप का, आप उसके थ्रू मेरे से हेल्प ले सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो, इफ यू रियली डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।